फार्मिंग बाबा चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, पंजाब के जिला बठिंडा में एक और बकरी मेला लगना शुरू हो चुका है आज से। नमस्कार, मेरा नाम जुगनू शर्मा है। जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी बकरा मंडी की हैं। एक बार मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, डिटेल क्या रहने वाली है, कौन सी तारीख को ये बकरी मेला लगेगा और कौन सी प्रॉपर एग्जैक्ट जगह क्या है, वो तमाम जानकारी मिलेंगी। वीडियो थोड़ी सी ज़रूर लंबी होगी, मगर इसे काट काट कर ना देखें, क्योंकि उसके बाद में आपको ना तो एड्रेस समझ आएगा ना ही तारीख समझ में आएगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि अंत तक ज़रूर वीडियो को देखें। तो ये बठिंडा ज़िला है पंजाब का, और बठिंडा से कुछ ही दूरी पर जंडा वाला गाँव है। वहाँ पर जो बाहर वाली दाना मंडी है, उस जगह पर ये बकरी मेला जो लग रहा है, देखिए शानदार बकरियाँ जो इस मेले में पहुँच रही है, काफ़ी गैदरिंग है, जो काफ़ी बड़ी गिनती में किसान भाई हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो बड़े व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो तस्वीरें मैं साथ के साथ दिखाता जाता हूँ। शानदार जो बीटल किस्म की बकरियाँ इस मेले में पहुँचती जा रही हैं, और जो बकरा मंडी आज से लगनी शुरू हुई है जंडा वाला गाँव, ज़िला बठिंडा, स्टेट पंजाब, तो उनकी पूरी मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। देखिए एक बार मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम सभी भाइयों से जो बात करेंगे, क्या कुछ दिन तारीख रहने वाली है, टाइम क्या रहने वाला है, अगली तारीख कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले जो गांव के सरपंच हैं वो हमारे साथ मौजूद है। पाजी नमस्कार और स्वागत है आपका फार्मिंग बाबा चैनल में। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम जगसीत सिंह सरपंच, पिंड जंडा वाला। जो भी यह मंडी जंडा वाले स्टार्ट की आ, वो जी अपनी प्रबंधक कमेटी आ, मैं इन्हों के नाल लग के इन्हें साथ दे रहा। जो ये मंडी लाई है ना, असी चलो डॉक्टर साहब की तोंग वाली पंडी देख के साडे मैंबर साहब वाले नाल गए। चलो इन्होंने साडे कोले आके भी कहा भी आपां अपने पिंड दे विच मंडी शुरू करनी आ, क्योंकि जो मेरे पिंड दे विच ना माल बहुत ज़्यादा है। अरे इस दे विच असी भी सोचा भी जो नौजवान है जो अपने बेरोजगार फिरते ने, तो इस धंधे नूं भी आपणे अपना लैण, तो ये अपना धंधा अपना वास्ते भी बहुत जरूरी आ, क्योंकि इस चीज़ के कई लोग इन चीज़ों तो पिछे भी हटते हैं, संगते नहीं भी है भी असं बकरियों का कम तोरते हैं ये की है, पर जदों बाहर अंदर निकलते उतों पता लगता भी इन दे बहुत ज़्यादा भी अपनी आमदनी कमा सकते हैं। अच्छा सर, जरा बताओ मंडी के बारे में, क्या कुछ लोकेशन, क्या कुछ जगह रहने वाली है? और ये लोकेशन है ये मेन रोड के उपर है, और बहुत वधिया जगह है, किसी आने जाने की कोई भी किसी ने उत्थे दिक्कत नहीं। तो यहाँ के जो भाई एक और हैं, भाई अपने बारे में परिचय दे दो थोड़ा हमारे। मेरा नाम जगसीर सिंह प्रधान जी, मैंबर सिकंदर सिंह जी मेरे नाल, इन्हों का भी बहुत सहयोग है, और जो कमेटी सी बनाई है उन्होंने भी वीर ने सारे ने सहयोग दिता जी, धन्यवाद करते हैं उन्होंने भी सारे वीर का। अच्छा प्रधान जी, आप ये बताओ कि मकसद क्या रहा जो मंडी शुरू करने का, क्या सोच के मंडी शुरू की? बस आही सोच के की है जी, भी अपने पिंड च भी असी मंडी करागे, साडा शौक सीगा भी साढ़े आसे पासे दे भी जिन्ने जां पिंड दे ला लो जां आस पास दे जो नौजवान ला लो भी वेखण मंडी नूं आवणा भी आपां लाहा लई। मंडी तां असीं इही करके स्टार्ट कीती है जी, कई लोग इस दे विच इहनूं इक वपारक तौर ते लैण जी, ते अपना धंधा बनाउणा भी, जिवें आपां हुण लोकां दे विच आम अपने चलदी आं, आपां सरकारां नूं भी दोष दे जांदे आ भी इस चीज़ नूं दोष दे रहे हैं भी यार साडे कोले बेरोजगारी बहुत आ। असी इस चीज़ को लेकर स्टार्ट की है कि अपने पिंड के भी कुछ नौजवान या जो भी जिन्हें भी नवे मुंडे ने इसनों अपना धंधा अपना के चलन भी, ताकि इस तो अपना लाहा ले सकन। जो तो पिछली तरीक सी, वह तो 25 तरीक सी जी इस वाली, तो जी अगली तरीक होना ये असी तीजे महीने की 6 तरीक रखी है जी। तो जोड़ा असी प्रबंध है जी, जिमें जिन्हें वीर आते अपने जानवर लेके रोटी पानी का चाह पानी का सारा जिन्ना प्रबंध है वो असी आप वधिया तरीके नाल करते हैं। टेंट वगैरह भी लावांगे, बेटा अगली बार असी टेंट वगैरह भी लावांगे, ते शाम वास्ते भी पूरी सहूलत जी, दिक्कत कोई अज रहेगी वो असी अगली बार पूरी करांगे। अच्छा जो ये आपने तारीख बताई है 25 और 6 तारीख, ये हर महीने में लगेगी जैसे कि एक बार ही है? नहीं, हर महीने लगेगी जी। तो भाइयों ये जो तारीख आप नोट कर लें, 25 तारीख और 6 तारीख हर महीने में जो दो बार अभी ये मंडी है जो वो लगनी शुरू हुई है। तो प्रॉपर एक बार अपना जो मंडी का एड्रेस समझाओ जरा हमारे भाई दूसरी जगह से आ रहे हैं। ये मंडी जी पिंड जंडा वाला, जिला बठिंडा, ते ये नवी रोड, ये
अपना हराएपुरा नथाने रोड के उपर है जी। ये नवी मंडी बारली मंडी वजदी है तो इतने हरेक महीने इतनी मंडी लग्या करूगी जी। अच्छा सरपंच साहब, आप भी थोड़ा क्लियर करो कि जैसे अगर कोई हमारे किसान भाई दूसरे राज्य से आते हैं तो उनके लिए प्रबंध किस तरह के रहने के खाने पीने? हाँ जी हाँ, जो कर भी इतने बाहर तो कोई भी साड़ा भाईचारा आऊगा इतने तो उन्होंने असं अपना खास प्रबंध करांगे इतने। अच्छा जैसे अगर दूसरे जिले राज्य से आते हैं, जिले से आते हैं, अगर वो रुकना चाहे तो रुक सकते हैं आपके पास यहाँ? हाँ रुक सकते। हाँ जी रुक सकते जी, उन्हों का भी असं इंतजाम इतने करांगे। जिहड़े साडे वीर भाई बाहर होर आउंदे है किसी कंट्री देश तो भी उन्हों का भी असं करांगे। तो मैंबर साहब अपना भी परिचय दे दो एक बार, आप भी जरा हमारे दर्शकों को क्लियर करो मंडी के बारे में। हमारा नाम चकंदर सिंह है जी, मैंबर पंचायत। हम भी इन्हों संयोग मंडी चलाने जी। इतने प्रबंध साडा पानी रोटी चाह बकरियां की देख रेख सब साडी जिम्मेवारी है जी। अच्छा एक और चीज़, जैसे कि अगर दूसरे राज्य से अगर हमारे भाई आते हैं है ना, वो बड़ी गिनती में अगर माल खरीदते हैं तो उन्हें रखने का प्रबंध कैसा है यहाँ पे? वो प्रबंध भी है जी, पट्ठे चारा सब उन्होंने मिलेगा, रहन नु मिलेगी, जो भी उन्होंने सहूलत चाहिए मिलेगी। और जैसे अगर कोई ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें है ना, अगर उन्होंने लेके जाना है सामान अपने राज्य में तो आप करा के दोगे प्रबंध उसका? हाँ जी, वो प्रबंध करवा के देंगे असी अपने वालों, उन्हों का प्रबंध इतों करवा के देवे ट्रांसपोर्ट का, जो भी उन्होंने माल दी आ जिम्मेदारी सारी असी इतों अपनी कमेटी वालों करके देवे। जो माल पशु होगा उन्हें खाने पीने के लिए? हाँ जी वो सब देंगे जी। तो कैसे मतलब सुबह कितने बजे से शुरू हो जाएगी मंडी और शाम कितने बजे तक? सुबह 10 तकरीबन 10-11 बजे शुरू हो जाती है, शाम 6 बजे। और जैसे आगे गर्मी आ रही है ना, तो टेंट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, टेंट की ज़रूरत है तो वो होगा कि नहीं होगा? हाँ जी वो भी करांगे, टेंट की भी सारी सहूलत पूरी करांगे जी। टेंट की सहूलत भी होगी जी, बाकी दरख्त बहुत है मंडी जी, छां का बहुत प्रबंध है जी। अच्छा आप जरा पूरा एड्रेस समझाओ आसानी से, अगर कोई भाई है ना दूर से आ रहा है दूसरे राज्य से, आसानी से समझाओ जरा। अपना जिला बठिंडा जी, ये फरीदकोट रोड के उपर पिंड हरायपुर आता है। हरायपुर तो उपर साडा पिंड 3 किलोमीटर दूरी पर जंडा वाला नथाणा रोड के उपर स्थित है जी। बाकी सर जेकर किसी भी कोई दिक्कत आँदी है तो प्रधान साहब या कमेटी के फोन नंबर दिए जाएंगे, उन्होंने कंटैक्ट भी कर सकते हैं जी। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई आप भी यहाँ पहुँचो मंडी में, कैसी मंडी जरा बताओ। हाँ जरा बता दो कैसी मंडी है, सही है? बढ़िया है। सो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अंकल जी आप भी जरा बता दो कैसी मंडी लगी आपको? ठीक है जी, बहुत चंगी मंडी है साड़ी, बहुत चंगा काम चलता है जी, बहुत वधिया चलूगी, छां छूं होगी जी, प्रबंध करांगे सारा कुछ। इहदे विच पता की है जी। अच्छा सरपंच साहब लास्ट क्या संदेश देना चाहोगे हमारे जो दूसरे बकरी पालक भाई हैं? बस साडा तो यही संदेश है जी भी जो भी यह बकरी धंधा असीं शुरू किया तो साडा भी वध तों वध साथ दिओ, क्योंकि जो भी साडी कमेटी उहदा भी साथ दिओ, तो आने वाले समय में जो भी असी मेले में असी होर भी उपर लेके चलीए, तो असी इस एक चीज़ होर भी स्पैशल करना चाहते हैं भी जो भी इतने मन के चलो भी मेले वगे तरह पहला दूसरा नाम रख के असी प्राइज वगैरह भी दिया करांगे। अच्छा भाजी क्या संदेश है आपकी तरफ से? यही है जी, सानू तो हम भी आपनों नहीं सी पता भी इन्ना कट हो जूगा, पर फिर भी वीर वध तो वध इतने आए है, अगली बार असी माण करते हैं भी इस तो भी वध कट हो वध तो वध हाजरी लगे, तो जिवें बाई जी ने दस्या भी जिवें कोई वधिया जानवर आऊगा असीं उन्हां नूं प्राइज वगैरह भी रखांगे। तो आपकी तरफ से मैंबर साहब क्या संदेश है हमारे जो? संदेश तो यही है बाई जी, सारे वीरां नूं बेनती आ भी पहुँचण इत्थे, कुल दी सेफ्टी होगी, किसी ना कोई घपलाबाजी नहीं होगी, कोई धोखे धड़ी नहीं होगी, यही संदेश है इत्थे आउणा ते आके देखण जी। बहुत खुला थां, कोई जगह की प्रॉब्लम नहीं, कोई पानी धानी खाने पीने की किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आउंदी। हाँ बेटा आप बताओ क्या कहना है? बाकी सिरे जी हम अगर गर्मी आ रही है, गर्मियों में असी सारा जो तंबुओं का प्रबंध है वो सारा होगा, पानी का भी पखियों का भी तंबुओं सारा प्रबंध करांगे मंडी दे विच। तो देखिए ये जो किसान भाई हैं यहाँ पर बकरियाँ लेकर पहुँचे हैं, बात इनसे भी करेंगे कौन सी जगह से आए हैं और क्या कुछ सामान लेके आए हैं। भाई कौन सी जगह से आए हो, क्या नाम है आपका? बोले तो अंकल तुसी दसो केड़ी था तो आए हो और की कुछ ले आए हो? जंडा वाला पिंड। अच्छा लोकल हो? हाँ ठीक है। की कुछ ले आए हो अंकल इहदे विच? हैं तन्ना। अच्छा तीन बकरी। हाँ जी। तो एक केड़ी केड़ी नस्ल दी आ गई इहदे विच? बिकली है ता
अच्छा तो देखिए ये अंकल जो इसी गांव के हैं और तीन जो बकरियां, मैं एक बार आपको तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए एक ये बकरी है, थोड़ी ये मिक्स में है, और ये आप देख रहे हो तस्वीर, ये तोतापुरी में लग रही है। देखिए नाक जैसा कि बताते हैं जो माहिर के तोते जैसा, और एक बच्चा। अच्छा अंकल ये बेचने के लिए है या नुमाइश, क्या बताओ? बेचने के लिए। अच्छा तो कीमत क्या क्या रखी है? 18,000। किसकी बताओ, एक के सभी की? एक कौन से की बताओ जरा, है केड़े वाले दी दसो, ए काली वाले। तो ये देखिए ये जो 18,000 में ये अंकल का कीमत इन बकरियों की रखी हुई है। तो एक ये जो बकरी देख रहे हो आप, ये तीनों इसके साथ अंकल, क्या बकरा क्या बकरी है? हो बकरा ही, बच्चा बच्चा बकरा। ठीक है तो ये देखिए बढ़िया शानदार बच्चा, लंबे कान और नाक देखिए बिल्कुल गोल और काफ़ी शानदार। तो देखिए काफ़ी जो भाई हैं यहाँ पर वो भी पहुँच रहे हैं, और चलते चलते हम आपको दिखाएंगे तस्वीर। अच्छा अंकल केड़ी साइड केड़ी था तो आए हो, दसो जरा इतने ये लोकल की देखन आए हो, लैन आए हो या किमें? नहीं देखने आए। अच्छा देखिए ये किमें लग गया अंकल, देखन आए हो? मेला वधिया दसो जरा। बहुत वधिया लग गया जी। हाँ लगना चाहिए, लॉकडाउन लग गया सी है ना। हाँ। काफ़ी काम वगैरह भी है ना उलझ गया सी, रुक हाँ। गया सी, तो हम दोबारा मंडियां लगनी है। हाँ हाँ जी बहुत वधिया हो गया, हम लग दिए तौंगाली लग दिए, इतने लग गई शुरू हो जाए बस यहीं चल लग गई। हाँ सो बिल्कुल देखिए रिस्पॉन्स, ये बर्बरी तो आपकी भाई? हाँ जी हाँ जी अपनी बर्बरी नस्ल। कौन सी जगह से? आप जिला मुक्तसर साहब पिंड धूरकोट। अच्छा तो आप जंडाली पिंड आए हैं जी, मंडी से पहली मंडी से आए हैं जी। अच्छा तो बहुत वधिया प्रबंध लग गया जी, रोटी पानी का, चाह पानी का, मंडी से बकरियां भी सेल हो गई साढ़िया, 30,000 का जोड़ा बेचा जी, 60,000 रुपये का जोड़ा अमृतसर बेचा जी। अच्छा दो बकरियां बेचिया, बर्बर नस्ल है अंबरसरी बिटला, सारी नस्ल साढ़े को जी, तो वेख सकते हैं पिंड धूरकोट जिला मुक्तसर, मोबाइल नंबर ले लो जी। तो ये एक मिनट ये बताओ थोड़ा कि अभी आप यहाँ मंडी में आए हो है ना, प्रबंधों की बात करें खाने पीने से लेकर, और जैसे कि कैसे प्रबंध? बहुत बढ़िया प्रबंध है जी खान पीन का। आप कितने नग ले आए हो यहाँ पे? इसीलिए आए जी 20 नग। कौन कौन से उसमें? उसमें बीटल है, बर्बर नस्ल है जी, तो अंबरसरी है। दिखाओ पहले हमें कौन से बीटल में कौन से। तो बीटल है जी, बिल्कुल। क्या है इसकी, कितने दांत है, क्या है इसकी? बच्ची है जी, खीरी है जी। अच्छा 5 महीने की है। दिखाओ दांत, दिखाओ जरा, ये दिखाते हैं हम, देखिए दांत भी दिखाएंगे इसके। तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये देखो, तो खीरी पट है, और कितनी डिमांड है भाई इसकी? इसका 20,000 रुपया मांग दिया जी। अच्छा 20,000 रुपये जो मांग रहे हैं। अच्छा ये इसकी डिटेल क्या है? ये शेरी नस्ल है जी, तो खीरी कच्ची है, 5 महीने दी है जी, दुध वाले थन ही है दांदा जी। तो देखिए काफ़ी शानदार, एक बार मैं थन भी दिखा देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, अभी बच्ची है ये। और कौन से हैं भाई, जरा दिखाते जाओ हमें हमारे भाइयों को। ये शेरी नस्ल है जी, एक अपने को इसनों विखाने वास्ते ही लिया आप, इनू सेल नहीं करना जी, यदि माँ को अग लग गई सी, दुध बहुत सी बकरी हेठा, तो रखने वास्ते लिया आप शेरी वाली, ये शेरी नस्ल है जी। ये सेल नहीं करनी, नुमाइश है। हाँ जी हाँ जी। देखिए ये नुमाइश के लिए ये वाली, और ये वाली ये नहीं अपना। अच्छा ये नहीं है, तो चलिए आओ आपको बर्बरी दिखाता हूँ भाई के पास, जो बर्बरी आओ भाई दिखाओ जरा बर्बरी कैसी है। बर्बरी कैसी, क्या क्वालिटी में कैसी? क्या प्योर है जी, जमा बर्बरी नस्ल है जी, साढ़े को 250 नाग घर है ये। अच्छा बर्बरी नस्ल जी। अच्छा खेत के फार्म बना रखे जी, तो ये सेल नहीं करनी जी, असं विखाने वास्ते लेके आए हैं। तो ये देखिए नुमाइश के लिए काफ़ी शानदार, जैसा कि रॉकेट कान और सींग देखिए बढ़िया, और काफ़ी बढ़िया में ये देखिए, और इसके साथ क्या बच्चा है? दो बच्चे हैं जी, बकरे है हमारा। अच्छा हाँ जी। तो वैसे कीमत क्या है? चलो सेल तो नहीं करनी, सेल जी 15,000 रुपया आया हूँ था। अच्छा, बच्चों समेत? बच्चा से नहीं जी। तो देखिए ये बच्चों समेत 15,000 रुपये की कीमत। तो बच्चे जरा आगे करो दिखाओ, ये देखिए बच्चे भी साथ में दिखा देते हैं, देखिए काफ़ी सुंदर बच्चे। तो ये बर्बरी में यहाँ भाई लेकर पहुँचे हैं। अच्छा सौदा हुआ कि नहीं अभी तक? सौदा होया जी, बेचे है दोनों का। अच्छा हाँ जी, बढ़िया कीमत मिल गई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए सौदा भी जो आज पहले दिन
काफ़ी जैसा कि भाई यहाँ पहुँचे हैं बकरी पालक और जो व्यापारी हैं, तस्वीर मैं दिखा देता हूँ, देखिए काफ़ी बड़ी गिनती में जो भाई यहाँ पहुँचे हैं और सौदा शुरू हो चुका है, काफ़ी बढ़िया। अच्छा, कैसे नग थे जो बेचे आपने? आपा जी बीटल बेचे जी। हाँ, बहुत बढ़िया नग सके बेचते जी, दो नग बेचे, बहुत बढ़िया। तो देखिए बिल्कुल आते हैं हम दोबारा आपके, करेंगे आपसे भी दोबारा वीडियो इनका पूरा प्रॉपर बनाएंगे। तो ये देखिए एक और जो माल यहाँ पे पहुँच चुका है, तो देखिए काफ़ी शानदार। आज अंकल कौन सी जगह से आए हो बताओ जरा? गिद्दड़ पिंडा। गिद्दड़ कौन सा जिला जी? बठिंडा। अच्छा बठिंडा। हाँ जी। तो देखिए अंकल क्या कुछ लेके आए हो आप यहाँ पे? हाँ, बकरा लगे हैं। एक ही बकरा है? एक ही बकरा। कैसी क्वालिटी बताओ? बीटल। बीटल। हाँ जी। और कितने दांत होंगे ये, कितनी हाइट? दो दांत। दो दांत। तो देखिए शानदार, दो दांत में दिखाओ जरा। तो देखिए दिखाते हैं हम आपको, देखिए दो दांत बिल्कुल काफ़ी शानदार, लंबे लंबे कान हैं और देखिए काले में। और ये नुमाइश के लिए, बेचने के लिए? बेचने के लिए। क्या कीमत है? 30,000। 30,000। और कद कितना होगा इसका? हाइट हाँ है, ज़्यादा होगी थोड़ी सी, 36-37 लग रही है। तो देखिए काफ़ी बढ़िया। और ये किसके भाई, ये जानवर कौन, किस भाई की है? तो ये देखिए, अच्छा तो दिखा दिए ये। हाँ, कौन सी जगह से आए हो बड़े भाई? भाई बक्ता कोठा। अच्छा कोठा, भाई बक्ता। और सामान लेने आए हो, बेचने आए हो? लेने आए हैं। अच्छा तो दिखा बढ़िया माल। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया माल है। अच्छा अभी तो पहली मंडी है, तो कैसा लगा मंडी में? बहुत बहुत अच्छी मंडी है जी। लगनी चाहिए और मंडियाँ? लगेगी जी, लगनी चाहिए। हाँ, क्या कुछ फ़ायदा होगा फिर उससे? फायदा जी, माल अच्छा आएगा, बिकेगा अच्छा। अब बाकी रोड पे है ना? रोड पे नज़दीक है। हाँ बिल्कुल, ये मैटर करती है बात, क्योंकि कई बार क्या है कि अंदर जाके गांव में होती है मंडी, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना जो किसान भाइयों को करना पड़ता है। मगर ये जो मंडी है ये बिल्कुल रोड पे है, तो हाँ बड़े रोड पे जो बाहर वाली दाना मंडी है वहाँ पे है ना, बड़े रोड पे जो बाहर वाली दाना मंडी में। हाँ तो बिल्कुल, तो परेशानी किसी तरह की किसान भाइयों को यहाँ पहुँचने में नहीं होने वाली, क्योंकि जगह भी काफ़ी खुली डुली है और खाने पीने का भी पूरा प्रबंध है। और हम चलते चलते दिखाते जाते हैं आपको, ये देखिए और जो भाई यहाँ पर पहुँचे हैं, तो तारीख वगैरह भी इस मंडी की प्रॉपर क्लियर करेंगे, क्योंकि जो मैनेजमेंट के हैं बंदे उनसे इंटरव्यू करेंगे। तो ये देखिए, ये एक और, कौन सी जगह से आए हो बड़े भाई? कोठा गुरु। कोठा गुरु से। देखिए कितने, क्या कुछ लेके आए हो? बकरे लेके आए, बकरियाँ। हाँ, कितने नग? 5 नग लेके आए। कैसी क्वालिटी में है? बीटल में है। हाँ, काटू माल है। अच्छा तो बीटल में जरा दिखाओ कौन सा है, दिखाओ जरा, आ जाओ। ये देखिए, ये रही बीटल, खड़ी करो। हाँ ये देखिए। हाँ तो कैसी क्वालिटी है बड़े भाई? बीटल में है भाई। हाँ, कितने दांत है? 8 दांत। 8 दांत बकरी। देखिए पीछे हो जाओ तुम इसके। यहाँ ये देखिए, वाइट आइज में ब्लैक, लंबे कान, थोड़ा सा कट जरूर है इसके। तो ये इसके साथ में कुछ है बच्चा वगैरह? गब्बन है, 2.5 महीने की गब्बन है भाई। अच्छा 2.5 महीने की। डिमांड क्या कर रहे हो? मोर इसका कर रहे हैं भाई 25,000। तो ये देखिए 25,000 कीमत। और कितने कितने के आप कम किस कम? ये तो काटू वाला है ही ना जी। कितने का होगा ये? ये होएगा 7-7.5 का। तो ये देखिए, ये भी काटू माल भी जो है यहाँ पे है। चलो ये बीटल में। अच्छा कैसे लगे अंकल प्रबंध मंडी के? पहला दिन है, पहला दिन बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कैसे बताओ जरा, आप पहुँचने में कोई दिक्कत? मेन रोड पे है? मेन रोड पे है, कोई पहुँचने में दिक्कत नहीं है। मंडी बढ़िया सुंदर लगती है, मेरा तो दिल खुश हो गया। खाने पीने का पूरा अच्छा साजन है, खुली जगह है। अच्छा लगनी चाहिए मंडियाँ, क्योंकि है ना काफ़ी जो काम है सभी भाइयों का, चाहे किसान है चाहे व्यापारी है। क्यों लॉकडाउन लगा उसके बाद अब मंडियाँ लग रही हैं, तो ऐसी लगनी चाहिए मंडियाँ? हाँ ऐसी लगनी चाहिए। मैं तो ऐसे कहता हूँ, ये 25 तारीख की है, ये मुझे जगह दे के अच्छी दे, तो 3-4 मंडी करनी चाहिए इसको। अच्छा हाँ,
तो बिल्कुल बिल्कुल, चलो वो तो आगे आगे हो जाएगी क्योंकि अभी पहली मंडी है ना। तो खाने पीने का प्रबंध क्या कैसा? खाने पीने का बहुत बढ़िया है, पानी का बढ़िया है। अच्छा, छाएं पानी छाएं बढ़िया है। अच्छा, और जगह कैसी, खुली डुली? हाँ, खुली डुली की जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बातें जरूरी हैं मंडी में वो सभी यहाँ पे। ये देखिए शानदार बकरा, क्या डिटेल है इसकी भी देखिए। एक बार मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, देख काफ़ी बढ़िया। हाँ, उधर को थोड़ा सा करो, तो ये देखिए। और कौन सी जगह से आए हैं अंकल? क्या नाम है अंकल जी आपका? लखवीर सिंह। अच्छा, लखवीर सिंह जी, तो कौन सी जगह से आए अंकल, जरा बताओ। खेमौना। खेमुआना से? हाँ जी। तो कैसा है ये बकरा बताओ जरा, डिटेल क्या है इसकी? इसकी डिटेल है ये 80 RV है। नहीं, कितने दांत है, कितनी हाइट है? दांत। अच्छा, दिखाओ जरा दांत। तो देखिए 4 दांत में काफ़ी शानदार बीटल क्वालिटी। कान देखिए, कानों से जरा दिखा दूं मैं आपको, लंबे चौड़े कान और डबल हड्डी में ये दिख रहा है 4 दांत पे। कद कितना होगा अंकल? अंकल हाइट कितनी होगी इसकी? 45 इंच हो? नहीं नहीं, 45 नहीं है, 38-39 इंच हाइट है इसकी। और देखिए, और अंकल कम से कम कितने में छोड़ दोगे ये? 60,000 में छोड़ेंगे। अच्छा, 60,000 में। देखिए शानदार चमकदार एकदम। तो अंकल मंडी में पहुंचे हो, पहला दिन है ना, कैसी लगी मंडी जरा? बढ़िया बढ़िया, बहुत सोहनी बढ़िया। कैसे प्रबंध है? बहुत बढ़िया है ये प्रबंध, खाने पीने से लेकर और कुछ? बहुत बढ़िया ये, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहुंचने में कोई दिक्कत, क्योंकि मेन रोड पे है? नहीं, ना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए काफ़ी बढ़िया जो रिस्पॉन्स यहाँ से मिल रहा है। और जो दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए, ये किसके हैं भाई, ये जरा दिखाओ। देखिए काफ़ी शानदार माल, बड़ी गिनती में जो किसान बकरी वाले भाई हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और जो बकरी पालक हैं और व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, अच्छा अंकल क्या डिटेल है इसकी, आपका ही है ये बकरा? आपका ही है ये? हाँ, मेरा नहीं, आपका है? मेरा ये? हाँ, मेरा नहीं है। अच्छा, क्या कितनी कद है इसका, कितने दांत है? 8। आठ? हाँ। और कद कितना होगा? है? बोल बोल। कद होगा इसका 37-38। और कितनी डिमांड कर रहे हो? 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपये, क्या बात है, ज़्यादा नहीं है अंकल? नहीं जी, ज़्यादा नहीं, 1,00,000 रुपये। चलो, तो ये देखिए कितने दांत हैं अंकल ये? 2.5 किलो। तो हाँ, तो देखिए सफ़ेद आँख, लंबे चौड़े कान, और ठीक है। और क्या कुछ अंकल लेके आए हो आप? कितने? एक बकरा ये। कौन सी जगह से आए हो? खेमौने से। ओ माफ़ करना, पूछ लिया था मैंने, खेमुआना। तो ये जिला कहाँ पड़ता है? बठिंडा जी। बठिंडा जिला से ही है। तो मंडी कैसी लगी, पहला दिन है आज मंडी का? बहुत बढ़िया लगी है जी। प्रबंध कैसे? बहुत बढ़िया प्रबंध है जी। हाँ, खाने पीने से लेकर और कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, देखिए बढ़िया प्रबंध जो अंकल बता रहे हैं यहाँ पे। तो और आगे हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको माल। और तो देखिए ये इस जगह पे और जो माल यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिनती में पहुँचे हैं। देखिए ये देखिए, तो ये काफ़ी बढ़िया अंकल, तुहाडा माल है किधर? बुलाओ जरा, दो गल्ला कर लिए पप्पू। तो देखिए ये काफ़ी बड़ी गिनती में बकरियां यहां पहुंची हैं, इनमें बीटल भी हैं और भी है। तो क्या डिटेल, कितना क्या कुछ रहने वाला है, जो इनके मालिक हैं उनसे बात करेंगे। कहाँ अंकल इनके है कोई बाली वारिस है इनका, कौन है? तो देखिए, तो ये देखिए छोटा सा बच्चा भाई। बेटा कितनी उम्र है तुम्हारी? 13 साल। लो जी, 13 साल का बच्चा। और कितने नग है यहाँ मंडी में पहुँचो लेके? नग तो ही देख लो, है ये 30-40 है। तो 30-40 नग बता रहे हैं। अच्छा, तो कैसे कैसे नग हैं इसमें, कौन सी क्वालिटी की है? बीटल भी हैं, क्रॉस ब्रीड भी है, सभी नग हैं। ठीक है। और बकरियां मतलब प्रेग्नेंट वगैरह है इसमें?
प्रेग्नेंट भी हैं। अच्छा, तो कितनी कितनी कीमत की होंगी? कीमत जी अरे बेच रही हैं अलग अलग, मतलब देख अलग के है ना, देख जो जैसा बकरी है वैसा कीमत है। तो बिल्कुल दिखाओ जरा कोई बढ़िया बीटल दिखाओ। ये है एक शानदार, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा क्या बेटा इसकी डिटेल क्या है? इसकी डिटेल का कद काठ बहुत है। नहीं, दांत कितने हैं? प्रेग्नेंट है ये? देख लो सी, देख प्रेग्नेंट है। अच्छा, 3 महीने की, 3 महीने की गाभिन देखिए। हाँ, तो देखिए ये पूरे दांत में। तो इधर इधर करो बेटा, इसको बाहर निकालो। हाँ, तो देखिए ये कितने की है भाई, कितने की होगी? 40,000। 40,000 कीमत। तो देखिए काफ़ी बढ़िया, 3 महीने की गाभिन जो बता रहे हैं, और काफ़ी जो बकरे हैं, बकरियां हैं इसमें हैं। तो अच्छा, कैसा प्रबंध मंडी का, कैसा लगा आपको प्रबंध वगैरह? आप पहले दिन मंडी का बताओ। बहुत अच्छा प्रबंध है। हाँ, कैसा मतलब खाने पीने, खाने पीने का सारा प्रबंध है, चाय का भी सारा प्रबंध है जी, और सूलत पूरी है, सारी पानी पूनी दी सारी सूलत पूरी है। अच्छा, आप ही करते हो बकरी पालन के कोई घर में पापा वगैरह, या फिर कोई कौन करता है? बाबा संगदा है थोड़ा। चलो देखो, हाँ दिखाओ, बताओ क्या क्वालिटी, कितने दांत वगैरह, क्या कुछ है? दांत जी पाठी है जी, पहले से सुन कर ले। बेटा इधर आओ, तुम सारे कैमरे में उस साइड आओ, दूसरी जगह पे आ जाओ। हाँ उधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ दूजे पासे। हाँ, किन्ने धीरे दांत किन्ने हैं? जवान हुई है, चक्की जन्दे। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए कान, देखिए इसे कान दिखाओ जरा, देखिए ये देखिए लंबे लंबे कान हैं, काफ़ी शानदार। और ये देखिए सींग, देखिए पीछे को मुड़े चपटे, और हाँ बिल्कुल नाक भी देखिए इसका गोल है, और वाइट आइज में। इधर इधर को करो थोड़ा सा सीधा करो इसे। हाँ ये देखिए, कद कितना होगा इसका? इधर कद लगभग 35-36 इंच है इसका कद। तो दिखाऊँ, ये देखिए थन दिखा देता हूँ मैं, और 3 महीने की, 3 महीने का। हाँ, और पैसे कितने मांग रहे हो? 40,000। यार दोनों पहले एक सेटिंग बनाओ, वो 30,000 तुम 40,000 है? 40 मांगते हैं। अरे 40 मांगते हो, ऐसे ना करो यार। चलो कोई जी ने कहा ऐसा ना करो, चलो ठीक है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया जो माल यहाँ पे, खाने पीने का प्रबंध। तो तमाम तस्वीरें, हाँ बोक बोक ले आओ, बोक ले आओ, ले आओ बोक, बोक ले आओ, मोक मारते हैं इसकी। तो ये देखिए बोक, इधर इधर करो बेटा, इधर ऐसे करो सीधा। हाँ, और क्या डिटेल है इसकी? डिटेल पूछो ना, लाख रुपया मांगते हैं जी। यार देखो बच्चे बहुत सोने जी, मुझे बीटल पठा सनु खाई हैं। हाँ, वो सारी हैं दी। अच्छा, और ये करे बच्चे है वो भी बहुत चंगे हैं। तो देखिए काफ़ी बढ़िया, ये काफ़ी बढ़िया हाइट है इसकी, और लंबे कान, 1,00,000 डिमांड कर रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया शानदार जो माल यहाँ मंडी में पहुँचा है, और जो व्यापारी हैं। हाँ फिर आके, हाँ ये दिखाओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ। तो देखिए बेटा उस साइड आ जाओ, कैमरे के उस साइड, दूसरी 40+ हाइट है। हाँ दिखाओ, ये देखिए 40+ हाइट। हाँ बताओ, 40+ हाइट है। ठीक है, तो ये देखिए थन मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखिए काफ़ी बढ़िया थन, और कान देखिए काफ़ी बढ़िया शानदार कान। एक बार पीछे हो जाओ बेटा इसके बकरी के। हाँ, तो देखिए काफ़ी बढ़िया लंबी चौड़ी बकरी, कान देखिए काफ़ी शानदार लंबे चौड़े, और वाइट आइज, और सींग देखिए चपटे मुड़े हुए रोमन नोज में, बढ़िया। कितने पैसे मांग रहे हो इसके? 50,000। ठीक है जी, तो भाइयों ये देखिए खाने पीने का प्रबंध, तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ, चाय का पूरी तरह से जो लंगर यहाँ पे भरपूर चल रहा है, और देखिए खाने पीने की जो सब्जी बनी है, क्या सब्जी बनाई है सर? दाल, दाल दाल बनाई है देखिए, और प्रसाद साथ में। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया सब चीज़, हर एक चीज़ का प्रबंध, चाय पानी रोटी हर एक चीज़। और देखिए काफ़ी बड़ी गिनती में जो भाई यहाँ पे चाय का आनंद भी ले रहे हैं, और जो हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं पर्चियों वाले, उनकी भी तस्वीर मैं दिखा देता हूँ,
और बाबा जी कहाँ पे हो बताओ जरा। तो ये देखिए साउंड की सेवा। हाँ बाबा तुसी दसो की कहना चाह रहे हो दसो। बस ये फोटो कर दो साउंड। अच्छा ये फोटो कर दिए। लो जी लो दसो अंकल की कहना थोड़ा। मैं कहने जी अभी बहुत चिर दे काम करते हैं, बहुत चंगी मंडी साड़ी पास हो जाए, तो बहुत चिर दे लाउड स्पीकर अभी लाने, बहुत समान अपने को। ठीक है ठीक है। तो देखिए अच्छा अंकल जी आए हो मंडी दे विच है ना, कितों आए हो तुसी, केड़ी जगह तो? जीदे तो आए जी। जीदा? हाँ जी। ते प्रबंध किस तरह दे लगे मंडी च? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़े बढ़िया लगे जी, सब चीज बहुत बढ़िया जी। बड़ा दिल लग गया मंडी च आके साडा इत्थे। अच्छा दिल लग गया? हाँ जी हाँ। जाना नहीं चाहते मतलब आप? ना ना जावांगे दसो जी, जाना तो पर हुण कहां वध नहीं बोलदे, क्यों है आउणी आ जानिए गल बात बोलदे। अच्छा ये दसो भाई मेन रोड ते है ना, कोई पहुंचन च दिक्कत होई होवे? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो असीं आए उधर दी आए, जीते तो होके आए आए उधर दी, दिक्कत है पर इधर दी नेड़े पै जांदी, इधर दी कोई दिक्कत नहीं, इधर असीं रोज बेड़ा चार दे बेड़ा चार दे। अच्छा पता लग गया आसानी नाल किथे लग रही है मंडी? हां हां सब पता लग गया। ते थां वगैरह किस तरह, जिवें पशु खड़ांदे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ हुण सारे बूटे सब तैयार हो जाणगे थोड़े चिर छां वास्ते, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल देखिए काफी बढ़िया, जो देखिए काफी दूर तक जो किसान भाई यहाँ बहुत ज़्यादा जगह खुली, और मेन जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कई बार क्या है गांव के भीतर मंडी लगती है तो वहाँ पहुँचने में थोड़ा दिक्कत होती है, पर ये मंडी बिल्कुल सड़क पे है, पहुँचने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने का पूरी तरह से प्रबंध है और जगह भी पूरी खुली है जानवरों को खड़े करने के लिए, और छाए वगैरह क्योंकि वृक्ष काफ़ी है इस जगह में तो छाए का भी पूरा, जैसे क्योंकि आगे आगे गर्मी आ रही है तो वो भी पूरी अच्छी तरह से जो यहाँ पर प्रबंध है जो मैंने सो बिल्कुल देखिए ये जो मंडी के प्रबंधक हैं सारी टीम जो हमारे साथ बात की है और काफ़ी शानदार जानकारी जो इन्होंने दी है, मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारे भाई बकरी वाले भाई हैं जो व्यापारी हैं उनके काम को और ज़्यादा आगे लेकर जाएं, प्रफुल्लित करें। तो भाइयों मंडी की डेट मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं, 25 तारीख और 6 तारीख जो हर महीने में लगेगी ये मंडी, आप भी यहां पर एक बार विज़िट करें और अपने काम को और आगे लेकर जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।